10 साल बाद ही सही, पर सांता क्रूज़ चेंबूर लिंक रोड के 2 छोटे छोटे एक्सटेंशंस फिलहाल के लिए चालू हो चुके हैं। 3 या 4 एक्सटेंशंस और है जिसका चालू होना बाकी है, तो हम वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो अभी तुम लोग देख रहे हो पार्ट, ये है फ्रॉम BKC, तो BKC से हम जा सकते हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स कुर्ला। तो ये एक फ्लाईओवर है जो कि अभी अभी बना हुआ है, लोगों के लिए खोल दिया गया है, और ये मैंने बहुत पहले शूट किया था, मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ, पर नेवर माइंड। वैसे देखा जाए ना, ये वाला फ्लाईओवर में ट्विस्ट चीज़ कुछ ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे साउंड बैरियर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी फास्ट जा रही है तो वो डायरेक्टली नीचे जा सकती है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे भी है और काफ़ी थोड़ा सा खतरनाक सा टर्न है। ठीक है, आगे। वैसे सांता क्रूज़ चेंबूर लिंक रोड को कम्प्लीट होकर ऑलमोस्ट 10 साल हो जाना चाहिए था, पर अभी भी ये बना हुआ है नहीं, तो अभी भी बन रहा है और काफ़ी टाइम लग जाएगा। आगे लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम लोग देखो ना, तो आगे एक टर्न आएगा जो कि सीधा सीधा लेके जाएगा टुवर्ड्स कुर्ला, फिर वहाँ से हम लोग जा सकते हैं टुवर्ड्स चेंबूर। हमारे राइट हैंड साइड से जाने वाला है मेट्रो लाइन 2B, जिसका काम इतना हुआ है कि वो दिखे नहीं रहा है। तो मेट्रो लाइन 2B बहुत ही पैथेटिक स्पीड में काम चल रहा है। यहाँ पर अभी नीचे देखोगे ना तुम लोग, नीचे एक फ्लाईओवर है और उसके नीचे रोड है, तो एक रोड आता है उसके ऊपर फ्लाईओवर, जो कि ये अभी तक खुला हुआ है नहीं, आगे थोड़ा सा पार्ट खुला है जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे, और उसके ऊपर अभी हम लोग हैं। ठीक है, आगे से भी आते हुए देखेंगे, तो सब के सब देखने वाले इस वीडियो में। अभी यहाँ से हम लोग सीधा सीधा जाएंगे टूवर्ड्स चेंबूर, तो ये एक छोटा सा हेल्प हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि नीचे जो ट्रैफिक सिग्नल लगता है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, जो कि तुम लोग को आगे दिख जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहाड़ दिख रहा है वो है घाटकोपर का, और यहाँ से तुम लोग को दिख जाता है कुर्ला घाटकोपर, और आगे सीधा सीधा जाओगे तो LTT आएगा। बहुत ही मेजर रोड होने वाला है ये वाला, जो कि डायरेक्टली हमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक लेके जाने वाला है विद इन अ फ्यू मिनट्स। एक्चुअली देखा जाए तो 20 मिनट के आसपास लेके जाना चाहिए, पर लेट्स जस्ट सी, अभी तो बन के पूरा रेडी हुआ है नहीं, जब बन जाता है तो शायद से 20 मिनट के अंदर अंदर हम ये पूरा का पूरा स्ट्रेच कंप्लीट कर लेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, आगे हमें बस अभी सीधा सीधा जाना है। स्पीड लिमिट है इस फ्लाई ओवर की 40, और मेरे ख्याल से हाइट ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, दिस इज़ वॉट आई ऑब्जर्व। तो अभी हम लोग सीधा सीधा जाएंगे आगे। ये नीचे जो ट्रैफिक देख रहे हो राइट हैंड साइड में, वो है वो सिग्नल के वजह से जो हमने अभी स्किप कर दिया है इस फ्लाईओवर के हेल्प से। पर आगे तुम लोग देखोगे ना, आगे फिर से ट्रैफिक जाम दिख रहा है, क्योंकि आगे मेट्रो लाइन 2B के थोड़े बहुत पिलर्स राइट इन द मिडल ऑफ द रोड है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कैसे आना है। तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अगर तुम लोग राइट हैंड साइड में देखो, तो एक फ्लाईओवर आ रहा है नीचे की तरफ। सबसे पहले तो हमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को एग्जिट करना है यहाँ से टूवर्ड्स सांता क्रूज़। तो आगे लेफ्ट लेंगे तो कलीना, राइट लेंगे तो सांता क्रूज़ स्टेशन आ जाएगा। ये वाला जो जंक्शन है ना, यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ से हमें सीधा सीधा जाना है इस फ्लाईओवर के बीच में से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वहाँ पर बन रहा है मेट्रो लाइन 3, वो भी शुरू होने वाला है जल्दी। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ से वापस ले लेंगे लेफ्ट, और ये है शुरुआत ऑफ सांता क्रूज़ चेंबूर लिंक रोड का सांता क्रूज़ के साइड से। यहाँ पर ऊपर जो तुम लोग देखोगे ना, ये ऊपर का जो रोड बनने वाला है वो सीधा सीधा लेके जाएगा फ्लाईओवर में, जो कि हम लोग वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर अभी तुम लोग नोटिस करो, तो एक और फ्लाईओवर है जो कि आ रहा है। ठीक है, ये रहा राइट हैंड साइड में, वो वकुला के वहाँ से आ रहा है। ये एक्सटेंशन का भी काम बाकी है, तो एक ऊपर का एक्सटेंशन, एक ये राइट साइड में एक्सटेंशन, आगे एक और एक्सटेंशन आएगा वो भी दिखाऊंगा, और अभी यहाँ से हम लोग सीधा सीधा जाएंगे। ये जो ऊपर से जा रहा रास्ता, ये कब बनेगा इसका इंतज़ार रहेगा। जब ये बन जाएगा तो ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वुड बी अ वेरी ईजी। राइट हैंड साइड में तुम लोग देखो, तो एक एक्सटेंशन नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो भी लोग चेंबूर से लेकर सांता क्रूज़ तक आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से इस तरफ आएंगे, और उनको जाना है टूवर्ड्स बैंड्रा दादर साइड, तो वो यहाँ से एग्जिट ले लेंगे इस सांता क्रूज़ चेंबूर लिंक रोड का, और आगे एक सिग्नल आएगा जो कि वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, वहाँ से वो लोग लेफ्ट लेके चले जाएंगे टूवर्ड्स बैंड्रा साइड। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा सीधा फॉर द सेकेंड एक्सटेंशन, जो कि चालू हो चुका है फॉर मुंबई कर्स। यहाँ पर राइट हैंड साइड में है मुंबई यूनिवर्सिटी का गेट। लेफ्ट हैंड साइड से जो रोड आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम नेहरू नगर के वहाँ से। तो ये छोटा सा एक शॉर्टकट था जो कि पहले पहले हमें यूज़ करता था टू रीच सांता क्रूज़ चेंबूर लिंक रोड, क्योंकि जहाँ से मैं अभी आया हूँ ना, ये पूरा का पूरा बहुत ही खतरनाक जाम रहता था। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा खुल चुका है। अब यहाँ से बस हमें थोड़ा सा सीधा जाना है, आगे जो फ्लाईओवर का एक्सटेंशन चालू होगा, अगर हम कलीना जा रहे हैं तो हमें वो एक्सटेंशन नहीं लेना है, हम नीचे से चले जाएंगे। और ये रहा दूसरा पार्ट जो कि शुरू हुआ है आफ्टर 10 ईयर्स, अभी भी पूरा का पूरा बना है नहीं, तो अभी सिर्फ 2 पार्ट चालू हुए, एक तो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा और दूसरा है ये वाला। तो अगर तुम लोग जाना है टुवर्ड्स नवी मुंबई घाटकोपर साइड, तो तुम्हें ये वाला ब्रिज लेना पड़ेगा। ठीक है, और बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों जो रोड क्वालिटी है ना इस ब्रिज का, वो काफ़ी सही है। ठीक है, अभी आगे हम लोग बस यहाँ पर सीधा जाएंगे ना, तो रोड काफ़ी स्मूथ हो जाता है। ये थोड़ा सा चढ़ान में लोग ने थोड़ा सा गड़बड़ रखा है,
पर उसके बाद यहाँ से एकदम स्मूथ है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस वाले फ्लाई ओवर का यूज़ करके। हम सीधा अब यहाँ से जाएंगे ऑल द वे टिल BKC के वहाँ पर, जो फ्लाई ओवर हम देखें ना ऊपर से जाते हुए, वहाँ पर नीचे से जाएंगे अभी। तो यहाँ से सीधा सीधा जाना है। इस रोड को कंप्लीट करने को बहुत ही कम टाइम लगेगा, मैं तो काफ़ी स्लो चला रहा था, पर अगर नॉर्मल स्पीड से भी जाना तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच फ्रॉम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टू ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बस 7 से 8 किलोमीटर तक का है। तो हम आसानी से 10 मिनट के अंदर अंदर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे सिग्नल्स, जैसे कि अभी ये नीचे एक सिग्नल दिख रहा है, ये वाला स्किप हो जाएगा, कलीना के गेट के वहाँ पर जो सिग्नल है वो स्किप हो जाएगा, साथ ही साथ जो BKC के वहाँ का सिग्नल है वो भी स्किप हो जाएगा। तो बहुत सारे सिग्नल स्किप होने वाले हैं और डायरेक्टली हम यहाँ से सीधा सीधा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा सकते हैं, पर अभी बन के पूरा तैयार हुआ है नहीं। रोड जैसे तुम लोग देख रहे हो काफ़ी अच्छा है, और जो अपोजिट लेन है ना ये भी कुछ 3-4 महीने में चालू हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। क्योंकि ना मान लो कि मैं नवी मुंबई से मुंबई की तरफ एंटर करता हूँ, घाटकोपर से होते हुए छेड़ा नगर के वहाँ पे पहुँचता हूँ, तो यूजुअली मैं राइट लेता हूँ टूवर्ड्स JVLR, फिर पवई के वहाँ से होते हुए पूरा सिग्नल से जाते 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 पहुँचता हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। सेम वही जंक्शन पर है सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड भी, तो राइट लेने के बदले मैं अभी लूँगा लेफ्ट और सीधा सीधा पहुँच जाऊँगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विदाउट वेटिंग इन एनी सिग्नल्स, और फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुझे और सीधा सीधा जाना पड़ेगा टिल राम मंदिर। राम मंदिर फ्लाईओवर लूँगा और वहाँ पर जाके मुझे एक सिग्नल मिलेगा, तो काफी डिस्टेंस होगा जो सिग्नल फ्री होने वाला है मुंबई में। दैट इज व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, होप सो यू आर टू। नाउ सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड के अलावा दो ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को डायरेक्टली कनेक्ट करता है विदाउट एनी सिग्नल्स, वो है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और दूसरा है बोरीवली थाने लिंक रोड। तो ये कब बनेगा किसी को पता नहीं। अब यहाँ से हम ले रहे हैं एग्जिट, क्योंकि जो सामने वाला स्ट्रेच है ना वो अभी बना नहीं है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, मैंने ऊपर से दिखाया था कि ये वाला स्ट्रेच बना नहीं है। तो ये जो स्ट्रेच जो हमारे अभी राइट हैंड साइड से जा रहा है उसी का खुलने का इंतज़ार है। फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे और नीचे आने वाला है एक भयंकर वाला सिग्नल, ठीक है। सिग्नल का नाम है BKC जंक्शन और बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो एक ही इंटरसेक्शन है जो कि आपको BKC लेके जाता है, कलीना लेके जाता है और साथ ही साथ कुर्ला लेके जाता है, तो बहुत गंदा वाला ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग रोड के नीचे है, इसके ऊपर एक फ्लाईओवर और उसके ऊपर से जा रहा था BKC वाला फ्लाईओवर। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस जाएंगे आगे तक सिग्नल पर, और क्योंकि अभी ये 1 बज रहा है ना तो थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे कम है, और आगे से ले लेंगे यू टर्न बैक टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और वहाँ पर कहाँ ये फ्लाईओवर जाके ख़त्म होगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर रास्ता नीचे तुम लोग देख लो, काफ़ी ऑसम सा है, और बस यहाँ से मिटन लेना है। राइट हैंड साइड में अगर ऊपर देखो ना फ्लाईओवर जा रहा है जो कि खुल चुका है, और यहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न जो डायरेक्शन से हम अभी आए हैं, और हमें अगर BKC जाना है तो हमें सेम फ्लाईओवर एग्जिट करके यहाँ से राइट लेके जाना पड़ेगा, पर अभी हम लोग जा रहे हैं बैक टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। उससे पहले जो लोग कुर्ला साइड से आएंगे, मतलब ऊपर से जो आ रहे हैं, उनको एग्जिट करना है टुवर्ड्स कलीना, तो वो आएंगे सीधा सीधा स्ट्रेट ऊपर से, और फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिट दिख रहा है वहाँ से आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अभी हम पहुँच जाते हैं हम वापस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो है वकोला के वहाँ से आने वाला फ्लाई ओवर, और ये जो ऊपर से जा रहा है इसी का इंतज़ार है चालू होने का, और ये हमें लेके जाएगा सीधा सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और जो ट्रैफिक सिग्नल आगे लगने वाला है वो कम्प्लीटली अवॉइड करने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो इसी का इंतज़ार है। अब ये वाला जो सेक्शन है वो कब कंप्लीट होगा इसका कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी काम बाकी है, और फ्लाईओवर के ऊपर से भी जाने वाला है, मतलब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर से जो काम है वो भी पूरा पेंडिंग है, तो उसको शायद से बहुत टाइम लग जाए, मे बी ये साल के एंड तक ये चालू हो जाए, पर जो बीच का एक छोटा सा पार्ट देखा था ना हमने वो चालू हो जाएगा। तो फ्लाईओवर के ऊपर से जैसे ये वाला बनकर रेडी हो जाता है तो ये जो सिग्नल था इसे हम कम्प्लीटली अवॉइड कर देंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें दिख रहा है फ्लाईओवर वहाँ से जाएंगे सीधा सीधा। और सबसे ज़्यादा ये जो हेल्प करने वाला है ना, आगे जो एक सिग्नल आता है जहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो जा सकते हैं टूवर्ड्स सांताक्रूज रेलवे स्टेशन, तो वो सड़ेला सिग्नल को अवॉइड करने में काफ़ी मदद करेगा। ये वाला सिग्नल है यहाँ पर ऊपर, तुम लोग देख सकते हो पब्लिक स्काई वॉक भी है, जो कि आगे भी इसका एक्सटेंशन हो रहा था फालतू में, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ से सीधा सीधा ये आएगा और हम सीधा कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। बस आज का कार्यक्रम यही समाप्त, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।